आपकी प्रॉपर्टी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विलाज लेके आया हूँ जो कि एलडीए अप्रूव्ड है और रेरा रजिस्टर्ड है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक बार मैं पहले भी आ चुका हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो एक विला यहाँ पे तैयार था जो कि एज अ सैंपल यहाँ पे दिखाया जा रहा था। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे रोड, स्ट्रीट लाइट सबका काम हो चुका है और काफी विलाज यहाँ पे बन चुके हैं और कुछ फैमिलीज यहाँ पे पजेशन लेके स्टे कर रही है। फ्रेंड्स, मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, ये एरिया गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 6 में आता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के आइकॉनिक प्लेसेस का, तो यहाँ से इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, पुलिस मुख्यालय यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में आते हैं और शालीमार वनमंडल के बिल्कुल हम एडजेसेंट में इस वक्त खड़े हैं। फ्रेंड्स, ठीक मेरे पीछे आपको विलास दिख रहे होंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक कंप्लीट लग्जरी पैकेज है जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिलती है जो कि एलडीए के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक 56 विलास की गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि ग्रीन पार्क, ग्रीन एरियाज, अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम, सीवर, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। सारी फैसिलिटीज फ्रेंड्स मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा और हाउस को आपको धीरे धीरे डिफाइन करता जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर संपर्क करें और हमसे जुड़ें। बात करते हैं विला के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी है। सामने गेट लगा हुआ है, गार्ड है 24 आवर्स, गार्ड रूम है, सीसीटीवी कैमराज हैं और इंटरकॉम फैसिलिटीज जैसी फैसिलिटीज भी यहाँ पे हैं। फ्रेंड्स, बात अगर अपने विला की जाए तो विला जो है 864 स्क्वायर फिट प्लॉट एरिया पे बना हुआ है जिसका कवर्ड एरिया 1,643 स्क्वायर फिट है। 3 BHK प्लस स्टडी ड्यूप्लेक्स बना हुआ ये विला है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो इस विला का फ्रंट जो है वो 24 फीट का है और उस विला की डेप्थ 36 फीट की है। विला की स्पेशलिटी के बारे में बात करना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं शुरुआत वीडियो डोरबेल फोन से करूंगा और धीरे धीरे जितने भी ब्रांडेड मटेरियल्स इस विला को बनाने में यूज किए गए हैं उन सबके बारे में आपको बताता चलूंगा। ठीक मेरे पीछे आपको वीडियो डोरबेल फोन दिख रहा होगा जिसका ये कैमरा सेटअप है जो कि बाहर की तरफ होता है। फ्रेंड्स, अगर बाहर से कोई आपके मकान पे आता है और आपसे कम्युनिकेट होना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, तो आप बिना अपना गेट खोले अंदर से स्क्रीन पे उसे देख के इस वीडियो डोरबेल फोन के थ्रू बातचीत कर सकते हैं और उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। धीरे धीरे मकान के अंदर के सेगमेंट को टच कर रहे हैं हम। ठीक मैं एंट्री गेट के सामने खड़ा हूँ और मेरे ठीक पीछे आपको फ्रेंड्स पार्किंग दिख रही होगी। पार्किंग के साइज की अगर हम बात करें तो 13 फिट बाय 15 फिट की ये पार्किंग है। सामने आपको रैंप दिख रही होगी और ठीक सामने मकान के 30 फिट वाइड रोड है। पार्किंग के नीचे फ्रेंड्स जो टाइल यूज किए गए हैं वो रॉक थीम के ज़िगज़ैग टाइल्स हैं। आगे पार्किंग की और बात की जाए तो 13 फिट बाय 15 फिट का पार्किंग जो होता है फ्रेंड्स इतना सफिशियंट होता है, इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे आपकी बड़ी SUV गाड़ी बड़े ही आराम से खड़ी हो जाती है। फ्रेंड्स, पार्किंग के बाद आपको मेरे पीछे 2 दरवाजे दिख रहे होंगे जिसमें से एक दरवाजा ड्राइंग रूम के अंदर जाता है और दूसरा दरवाजा ठीक डाइनिंग हॉल के अंदर जाता है। पार्किंग के ठीक सामने फ्रेंड्स आपको लॉन दिख रहा होगा जो कि 4 फिट चौड़ा है और समरसेबल बोरिंग भी इसी लॉन के अंदर की गई है। फ्रेंड्स, जो लग्जरी विलाज होते हैं वहाँ पे आपका अपना समरसेबल होता है, किसी भी तरह की वाटर सप्लाई की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। पार्किंग के बाद पहला दरवाजा यूज करते हुए फ्रेंड्स हम ड्राइंग रूम के अंदर आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इस हाउस के दरवाजों को दिखाना चाहूंगा जो कि एक्सेंट टेसा के हैं। फ्रेंड्स, एक्सेंट टेसा अपने आप में एक ब्रांड होता है जिसके दरवाजे फायर एंड वाटर प्रूफ होते हैं और उसके लॉक सालों साल खराब नहीं होते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आगे आए और अंदर के सेगमेंट्स को, ड्राइंग रूम के अंदर के सेगमेंट्स को वो दिखाएं। कैमरामैन अंदर आ चुके हैं, ड्राइंग रूम के अंदर खड़े हैं। मैं सबसे पहले कैमरामैन से चाहूंगा कि ऊपर का जो है कि फॉल सीलिंग दिखाएं जो कि दिखने में काफी सुंदर है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो विंडो की जो कि सीधे फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा तो ये UPVC के स्लाइडिंग विंडोज है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जहाँ आप अपने कर्टन आगे चल के लगाते हैं।
नीचे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स दिखेंगे फ्रेंड्स, जो कि दिखने में काफी सुंदर है। और ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये थीम पार्टीशन दिखेगा, जो कि अपने आप में एक लुक है जो इस ड्राइंग रूम को और भी जो है डेकोरेटिव बना रहा है। फ्रेंड्स, जब हम ड्राइंग रूम से आगे बढ़ते हैं, पार्टीशन के इस तरफ जब हम पहुंचते हैं, तो फ्रेंड्स हमको मिलता है हमारा डाइनिंग एरिया। फ्रेंड्स, अगर एरिया की बात करूँ तो डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग एरिया हमारा कंबाइंड जो है 12 फिट 6 इंच बाय 20 फिट का हो जाता है। फ्रेंड्स, डाइनिंग एरिया भी हमारा दिखने में काफी सुंदर है, जिसके ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है और नीचे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स मिलते हैं। ठीक मेरे पीछे आपको वीडियो डोरबेल फोन दिखा होगा, जो कि दोस्तों आपको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि आप इजी वे में बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर सके, उनको यहाँ पे स्क्रीन पे देख के उनसे बातचीत कर सके। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और वायर्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे एंकर और विप्रो के इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और वायर्स यूज किए गए। इन एरिया से ठीक जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम पहुंच जाते हैं अपने किचन के अंदर, जिसके एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 8 फिट 6 इंच बाय 7 फिट का ये हमारा किचन है। किचन मॉड्यूलर है, साथ ही साथ फायर एंड स्क्रैच प्रूफ है फ्रेंड्स, जिसमें आपको रॉका की फिटिंग्स मिलती है सिंक के साथ। एक बात फ्रेंड्स, आपको पीछे मेरे ओटीएस दिखा हुआ ओपन टू स्काई छोटा सा आंगन कह सकते हैं आप इसे, जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन रखते हैं और आपके चिमनी का एक्सेस यहीं से होता है। बात अगर ग्राउंड फ्लोर की जाए, तो यहाँ पे आपको एक पार्किंग, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम और एक वॉशरूम मिलता है फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक मेरे पीछे आपको बेडरूम दिखा होगा, जो कि मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आगे आए और दिखाएं। बेडरूम के अंदर खड़े हैं, बेडरूम के साइज की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये 14 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का बेडरूम है। और ठीक मेरे पीछे आपको यूपीवीसी के ये स्लाइडिंग विंडोज दिख रहे होंगे, जो कि इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं कि यहाँ पे एयर का वेंटिलेशन अच्छी तरह से बना रहे। राइट हैंड साइड में आपको बेडरूम दिख रहा होगा, जिसको मैंने आपको दिखा दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वॉशरूम है, जो कि मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन सामने आके अंदर से देखे। फ्रेंड्स, कैमरामैन अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ से दिखा हुआ वॉशरूम सारे ब्रांडेड फिटिंग यूज की जाती है। फिलहाल यहाँ पे रॉका की फिटिंग यूज की गई है। फ्रेंड्स, वॉशरूम के साइज की अगर बात करें, तो ये 8 फिट बाय 5 फिट का है, जो कि सफिशियंट स्पेस है। और पीछे आपको डक्ट एरिया दिखा होगा, ये डोर है, डक्ट एरिया है इस तरफ, और यहाँ जो है एग्जॉस्ट के लिए जगह दी गई है। ग्राउंड फ्लोर के सारे सेगमेंट फ्रेंड्स आपको मैंने दिखा दिए, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ऊपर आए और फर्स्ट फ्लोर को भी देखें। फ्रेंड्स, ये जो स्टेयर्स है, इनका एक्सेस बाहर से भी दिया गया है, और ठीक मेरे राइट हैंड साइड में आपको दरवाजा दिख रहा होगा कि आप मकान के अंदर से भी आकर इस स्टेयर्स के थ्रू आप ऊपर जा सकते हैं। स्टेयर्स के ऊपर फ्रेंड्स ग्रेनाइट स्लैब यूज किए गए, स्टेनलेस स्टील के रनिंग यूज किए गए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो ऊपर आए और फर्स्ट फ्लोर को दिखाएं। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी एंट्री होती है लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग एरिया के एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो 12 फिट 6 इंच बाय 9 फिट का ये लिविंग एरिया है। फ्रेंड्स, म्यूचुअली मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा कि लिविंग एरिया के अंदर एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम मिलता है, और राइट हैंड साइड पे आपको एक मास्टर बेडरूम और बालकनी मिलती है। फ्रेंड्स, म्यूचुअली अगर आप समझ पाए, मास्टर बेडरूम, स्टडी रूम और राइट हैंड साइड पे आपको मास्टर बेडरूम और बालकनी, जो कि धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा। लिविंग एरिया से सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि मास्टर बेडरूम है और एक स्टडी रूम है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप स्टडी रूम को देखें। स्टडी रूम में भी ठीक वैसे ही जो है एक्सेंट दिखा के डॉट यूज किए गए हैं। मैं चाहूंगा कैमरा आगे आए और स्टडी रूम को देखें। सर, स्टडी रूम के अगर साइज की मैं बात करूँ, तो 8 फिट 6 इंच बाय 7 फिट का ये स्टडी रूम है, जो कि ओटीएस से कनेक्टेड है, और इसमें आपको यूपीवीसी के स्लाइडिंग विंडोज मिलते हैं, एयर और लाइट के अच्छे वेंटिलेशन के। स्टडी रूम से बाहर आ रहे हैं और हम पहुंचेंगे अपने मास्टर बेडरूम के अंदर, जो कि मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आगे आए और उसकी फ्लोरिंग और सीलिंग को दिखाएं। फर्स्ट फ्लोर पे दो मास्टर बेडरूम है, जिसमें से पहले मास्टर बेडरूम के अंदर मैं खड़ा हूँ। ऊपर आपको सीलिंग दिख रही थी फ्रेंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आपको फ्लोरिंग पे वुडन टाइल्स दिख रहे होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये विंडो को दिखाएं, जो कि इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे एयर और लाइट का अच्छा वेंटिलेशन बना रहे। और ठीक मेरे राइट हैंड साइड में आपको वॉशरूम दिख रहा होगा, जो कि 8 फिट बाय 5 फिट का है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आगे आए और वॉशरूम को भी एक बार दिखाएं। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के अंदर हम आ रहे हैं। यहाँ पे आपको फिटिंग फ्रेंड सारे ब्रांडेड क्वालिटी की दिख रही होंगी। रॉका की फिटिंग यूज हुई है, शावर है आपका, कमोड है, सिंक है, और डोर एक्सटेंड जैसा का यूज किया गया है।
8 फिट का है, 5 फिट का ये वॉशरूम है आपकी प्रॉपर्टी पे। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए विलाज लेके आया हूँ जो कि LDA अप्रूव्ड है और RERA रजिस्टर्ड है। फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे एक बार मैं पहले भी आ चुका हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था तो एक विला यहाँ पे तैयार था जो कि एज अ सैंपल यहाँ पे दिखाया जा रहा था। फ्रेंड्स आज यहाँ पे रोड, स्ट्रीट लाइट सबका काम हो चुका है और काफी विलाज यहाँ पे बन चुके हैं और कुछ फैमिलीज यहाँ पे पजेशन लेके स्टे कर रही है। मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ ये एरिया गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 6 में आता है और अगर मैं बात करूँ यहाँ के आइकॉनिक प्लेसेस का तो यहाँ से इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लेटियो, पुलिस मुख्यालय यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में आते हैं और शालीमार वनमेल के बिल्कुल हम एडजेसेंट में इस वक्त खड़े हैं। फ्रेंड्स ठीक मेरे पीछे आपको विलास दिख रहे होंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक कंप्लीट लग्जरी पैकेज है जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि LDA के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स ये एक 56 विलास की गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज मिलती हैं जैसे कि ग्रीन पार्क, ग्रीन एरियाज, अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम, सीवर, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। सारी फैसिलिटीज फ्रेंड्स मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा और हाउस को आपको धीरे धीरे डिफाइन करता जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर संपर्क करें और हमसे जुड़ें। बात करते हैं विला के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी है। सामने गेट लगा हुआ है, गार्ड है 24 आवर्स, गार्ड रूम है, सीसीटीवी कैमराज हैं और इंटरकॉम फैसिलिटीज जैसी फैसिलिटीज भी यहाँ पे हैं। फ्रेंड्स बात अगर अपने विला की जाए तो विला जो है 864 स्क्वायर फिट प्लॉट एरिया पे बना हुआ है जिसका कवर्ड एरिया 1647 स्क्वायर फिट है। 3 BHK प्लस स्टडी ड्यूप्लेक्स बना हुआ ये विला है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो इस विला का फ्रंट जो है वो 24 फीट का है और उस विला की डेप्थ 36 फीट की है। विला की स्पेशलिटी के बारे में बात करना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं शुरुआत वीडियो डोरबेल फोन से करूंगा और धीरे धीरे जितने भी ब्रांडेड मटेरियल्स इस विला को बनाने में यूज किए गए हैं उन सबके बारे में आपको बताता चलूंगा। ठीक मेरे पीछे आपको वीडियो डोरबेल फोन दिख रहा होगा जिसका ये कैमरा सेटअप है जो कि बाहर की तरफ होता है। फ्रेंड्स अगर बाहर से कोई आपके मकान पे आता है और आपसे कम्युनिकेट होना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है तो आप बिना अपना गेट खोले अंदर से स्क्रीन पे उसे देख के इस वीडियो डोरबेल फोन के थ्रू बातचीत कर सकते हैं और उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। धीरे धीरे मकान के अंदर के सेगमेंट को टच कर रहे हैं हम। ठीक मैं एंट्री गेट के सामने खड़ा हूँ और मेरे ठीक पीछे आपको फ्रेंड्स पार्किंग दिख रही होगी। पार्किंग के साइज की अगर हम बात करें तो 13 फिट बाय 15 फिट की ये पार्किंग है। सामने आपको रैंप दिख रही होगी और ठीक सामने मकान के 30 फिट वाइड रोड है। पार्किंग के नीचे फ्रेंड्स जो टाइल यूज किए गए हैं वो रॉक थीम के जिगजैग टाइल्स हैं। आगे पार्किंग की और बात की जाए तो 13 फिट बाय 15 फिट का पार्किंग जो होता है फ्रेंड्स इतना सफिशियंट होता है, इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे आपकी बड़ी SUV गाड़ी बड़े ही आराम से खड़ी हो जाती है। फ्रेंड्स पार्किंग के बाद आपको मेरे पीछे 2 दरवाजे दिख रहे होंगे जिसमें से एक दरवाजा ड्राइंग रूम के अंदर जाता है और दूसरा दरवाजा ठीक डाइनिंग हॉल के अंदर जाता है। पार्किंग के ठीक सामने फ्रेंड्स आपको लॉन दिख रहा होगा जो कि 4 फिट चौड़ा है और समरसेबल बोरिंग भी इसी लॉन के अंदर की गई है। फ्रेंड्स जो लग्जरी विलाज होते हैं वहाँ पे आपका अपना समरसेबल होता है, किसी भी तरह की वाटर सप्लाई की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। पार्किंग के बाद पहला दरवाजा यूज करते हुए फ्रेंड्स हम ड्राइंग रूम के अंदर आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इस हाउस के दरवाजों को दिखाना चाहूंगा जो कि एक्सेंट टेसा के हैं। फ्रेंड्स एक्सेंट टेसा अपने आप में एक ब्रांड होता है जिसके दरवाजे फायर एंड वाटर प्रूफ होते हैं और उसके लॉक सालों साल खराब नहीं होते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आगे आए और अंदर के सेगमेंट को, ड्राइंग रूम के अंदर के सेगमेंट को वो दिखाएं। कैमरामैन अंदर आ चुके हैं, ड्राइंग रूम के अंदर खड़े हैं। मैं सबसे पहले कैमरामैन से चाहूंगा कि ऊपर का जो है कि फॉल सीलिंग दिखाएं जो कि दिखने में काफी सुंदर है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो विंडो की जो कि सीधे फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा तो ये UPVC के स्लाइडिंग विंडोज है जो कि ट्रांसपेरेंट है जहाँ आप अपने कर्टन आगे चल के लगाते हैं।
नीचे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स दिखेंगे फ्रेंड्स, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है। और ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये थीम पार्टीशन दिखेगा, जो कि अपने आप में एक लुक है जो इस ड्राइंग रूम को और भी जो है डेकोरेटिव बना रहा है। फ्रेंड्स, जब हम ड्राइंग रूम से आगे बढ़ते हैं, पार्टीशन के इस तरफ जब हम पहुँचते हैं, तो फ्रेंड्स हमको मिलता है हमारा डाइनिंग एरिया। फ्रेंड्स, अगर एरिया की बात करूँ तो डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग एरिया हमारा कंबाइंड जो है 12 फिट 6 इंच बाय 20 फिट का हो जाता है। फ्रेंड्स, डाइनिंग एरिया भी हमारा दिखने में काफ़ी सुंदर है, जिसके ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है और नीचे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स मिलते हैं। ठीक मेरे पीछे आपको वीडियो डोरबेल फोन दिखा होगा, जो कि दोस्तों आपको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि आप इजी वे में बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर सके, उनको यहाँ पे स्क्रीन से देख के उनसे बातचीत कर सके। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और वायर्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे एंकर और विप्रो के इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और वायर्स यूज किए गए। इन एरिया से ठीक जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम पहुंच जाते हैं अपने किचन के अंदर, जिसके एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 8 फिट 6 इंच बाय 7 फिट का ये हमारा किचन है। किचन मॉड्यूलर है, साथ ही साथ फायर एंड स्क्रैच प्रूफ है फ्रेंड्स, जिसमें आपको रोका की फिटिंग्स मिलती है सिंक के साथ। एक बार फ्रेंड्स आपको पीछे मेरे ओटीएस दिखा हुआ ओपन टू स्काई छोटा सा आंगन कह सकते हैं आप इसे, जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन रखते हैं और आपके चिमनी का एक्सेस यहीं से होता है। बात अगर ग्राउंड फ्लोर की जाए, तो यहाँ पे आपको एक पार्किंग, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम और एक वॉशरूम मिलता है फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक मेरे पीछे आपको बेडरूम दिखा होगा, जो कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आगे आए और दिखाएं। बेडरूम के अंदर खड़े हैं। बेडरूम के साइज की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये 14 फिट 6 इंच बाय 11 फिट का बेडरूम है। और ठीक मेरे पीछे आपको यूपीवीसी की ये स्लाइडिंग विंडोज दिख रहे होंगे, जो कि इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं कि यहाँ पे एयर का वेंटिलेशन अच्छी तरह से बना रहे। राइट हैंड साइड में आपको बेडरूम दिख रहा होगा, जिसको मैंने आपको दिखा दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वॉशरूम है, जो कि मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन सामने आके अंदर से देखे। फ्रेंड्स, कैमरामैन अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ पे दिखा हुआ वॉशरूम सारे स्टैंडर्ड फिटिंग यूज की जाती है। फिलहाल यहाँ पे रोका की फिटिंग यूज की गई है। फ्रेंड्स, वॉशरूम के साइज की अगर बात करें, तो ये 8 फिट बाय 5 फिट का है, जो कि सफिशियंट स्पेस है। और पीछे आपको डक्ट एरिया दिखा होगा, ये डोर है, डक्ट एरिया है इस तरफ, और यहाँ जो है एब्जॉर्ब के लिए जगह दी गई है। ग्राउंड फ्लोर के सारे सेगमेंट फ्रेंड्स आपको मैंने दिखा दिए, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ऊपर आए और फर्स्ट फ्लोर को भी देखें। फ्रेंड्स, ये जो स्टेयर्स है, इनका एक्सेस बाहर से भी दिया गया है, और ठीक मेरे राइट हैंड साइड में आपको दरवाजा दिख रहा होगा कि आप मकान के अंदर से भी आकर इस स्टेयर्स के थ्रू आप ऊपर जा सकते हैं। स्टेयर्स के ऊपर फ्रेंड्स ग्रेनाइट के स्लैब यूज किए गए, स्टेनलेस स्टील के रनिंग यूज किए गए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो ऊपर आए और फर्स्ट फ्लोर को दिखाएं। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी एंट्री होती है लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग एरिया के एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो 12 फिट 6 इंच बाय 9 फिट का ये लिविंग एरिया है। फ्रेंड्स, म्यूचुअली मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा कि लिविंग एरिया के अंदर एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम मिलता है, और राइट हैंड साइड पे आपको एक मास्टर बेडरूम और बालकनी मिलती है। फ्रेंड्स, म्यूचुअली अगर आप समझ पाए, मास्टर बेडरूम, स्टडी रूम और राइट हैंड साइड पे आपको मास्टर बेडरूम और बालकनी, जो कि धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा। लिविंग एरिया से सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि मास्टर बेडरूम है और स्टडी रूम है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप स्टडी रूम को देखें। स्टडी रूम में भी ठीक वैसे ही जो है एक्सेंट दिखा के डॉट यूज किए गए हैं। मैं चाहूंगा कैमरा आगे आए और स्टडी रूम को देखें। सर, स्टडी रूम के अगर साइज की मैं बात करूँ, तो 8 फिट 6 इंच का 7 फिट का ये स्टडी रूम है, जो कि ओटीएस से कनेक्टेड है, और इसमें आपको यूपीवीसी के स्लाइडिंग विंडोज मिलते हैं, एयर और लाइट के अच्छे वेंटिलेशन के। स्टडी रूम से बाहर आ रहे हैं और हम पहुंचेंगे अपने मास्टर बेडरूम के अंदर, जो कि मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आगे आए और उसकी फ्लोरिंग और सीलिंग को दिखाएं। फर्स्ट फ्लोर पे दो मास्टर बेडरूम है, जिसमें से पहले मास्टर बेडरूम के अंदर मैं खड़ा हूँ। ऊपर आपको सीलिंग दिख रही थी फ्रेंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आपको फ्लोरिंग पे वुडन टाइल्स दिख रहे होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये विंडो को दिखाएं, जो कि इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे एयर और लाइट का अच्छा वेंटिलेशन बना रहे। और ठीक मेरे राइट हैंड साइड में आपको वॉशरूम दिख रहा होगा, जो कि 8 फिट बाय 5 फिट का है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आगे आए और वॉशरूम को भी एक बार दिखाएं। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के अंदर हम आ रहे हैं। यहाँ पे आपको फिटिंग फ्रेंड सारे ब्रांडेड क्वालिटी की दिख रही होंगी। रोका की फिटिंग यूज हुई है, शावर है आपका, कमोड है, सिंक है, और डोर एक्सटेंड जैसा का यूज किया गया है।
किया है कि ये 8 फिट का है, 5 फिट का ये वॉशरूम है,